बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच यूपी के अलग अलग जो जिले हैं यहां पर आदमखोर जानवरों की दहशत दिखाई दे रही है और लखीमपुर में अब बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। जी हां, दो दिन पहले यहां एक किसान को बाघ ने निवाला बनाया, वहीं एक गाय और एक डॉगी को भी निशाना बनाया, जिसके बाद अब लोगों में दहशत है। लोग इस वक्त दहशत के साए में जीने को मजबूर है। वहीं महाराजगंज की अगर हम बात करें तो यहां पर आदमखोर तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। किसान हमले में घायल हो चुका है, इसके बाद से लोग दिन रात लाठी डंडों से खुद ही अब अपने घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। वहीं बहराइच की बात तो आपको मालूम ही है, क्योंकि लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सीतापुर में भी अब देखिए खूंखार भेड़िये का आतंक दिखाई दे रहा है, यानी कि इन तमाम इलाकों में इस वक्त जंगली जानवरों का आतंक है, इनकी दहशत है। भेड़िये के हमले से सीतापुर में एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि हमले में 5 बच्चे घायल हैं, इनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िये की दहशत बरकरार है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर में आदमखोर बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। आपको बता दें इस बाघ ने एक गाय और डॉगी को निशाना बनाया है। ड्रोन कैमरों से आदमखोर बाघ की निगरानी लगातार की जा रही है। वन विभाग की टीम ने 5 पिंजरे लगा दिए हैं और कोशिश यही कि जल्द से जल्द पिंजरे में कैद कर लिया जाए इस बाघ को, क्योंकि लगातार ये बाघ लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। अब 2 दिन पहले हमले में एक किसान की मौत हो गई थी, तो बाघ की दहशत इस वक्त लगातार। आदमखोर बाघ की तलाश वन विभाग की टीम्स हैं और ऐसे में पिंजरे लगा दिए गए हैं अलग अलग इलाकों में कैमरों के द्वारा। ड्रोन फुटेज भी यहां पर खंगाला जा रहा है, क्योंकि ड्रोन से लगातार निशानी यहां पर बाघ की देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें कुछ वीडियोस भी यहां बनाए गए वन विभाग की टीम की तरफ से, जहां पर जंगली जानवर के पैरों के जो निशान है वो आप देख सकते हैं। और इन्हीं के माध्यम से कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस आदमखोर बाघ को पकड़ा जा सके। एक गाय को, एक डॉगी को निशाना बनाया बाघ ने और एक किसान की भी मौत हो गई है बाघ के हमले की वजह से। तो बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक जारी है, दूसरी तरफ बहराइच सटे जिले लखीमपुर में आए दिन किसानों पर बाघ के हमले हो रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और आदमखोर बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम है। आपको बता दें कि यहाँ के तिकुनिया इलाके में आज बाघ ने गाय और एक डॉगी को अपना निवाला बनाया है। 2 दिन पहले बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई थी। तो देखिए महाराजगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर खूंखार तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है और तेंदुए के हमले में किसान के घायल होने के बाद यहाँ पर लोग काफी डरे हुए हैं। तेंदुए के डर से लोग दिन हो या फिर रात दहशत में जीने को मजबूर हैं। ये पूरा जो मामला है वो महाराजगंज का है। यहाँ पर खूंखार तेंदुआ है जिसकी दहशत में है लोग। आपको बता दें तेंदुए से अपने आप को बचाने के लिए ग्रामीण रात रात भर झुंड में घूम रहे हैं, समूह में लाठी डंडों के साथ जागते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दिन में भी कुछ इसी तरह का हाल नजर आ रहा है। लोग अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं और लाठियों के जरिए, डंडों के जरिए खुद को बचाने के लिए पहरा दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग इलाके उत्तर प्रदेश के, जहां पर इस वक्त जंगली जानवरों का आतंक है। महाराजगंज की ये तस्वीरें। इस वक्त जी मीडिया की टीम रामनगर पहुंची है और रात के 2 बज रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण यहां पर खेतों में डंडा लेकर यहां पर क्या टहल रहे हैं और उनको दहशत बना हुआ है कि कहीं फिर एक बार क्या आदमखोर जो जानवर है, जो जंगल से आ रहे हैं, जो तेंदुए हैं, वो इनके ऊपर हमला ना कर दे। बहुत ज्यादा दहशत है तेंदुए से और दिन में 3-4 बार जो है दिन में निकल रहा है, रात में तो गिनती नहीं कई बार। जी सर, हम लोग रात में जो है अलाव जला के जो है अपना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और जो है खेती बाड़ी में कोई भी लोग नहीं रह रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो माहौल काफी क्या गंभीर कह सकते हैं। लोग रात के 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये लोग लाठी डंडा लेकर यहाँ पर ये पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, जिससे तेंदुआ उन जंगल से यहाँ पर गांव पे ना निकला है। कहीं ना कहीं जिस तरह बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, तो महाराजगंज जनपद में भी आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है और गांव वाले दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज।